हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 10। सच बताऊँ 10 बजे उठ रहे हैं हम। रात को हम बहुत लेट सोए थे क्योंकि मेरे भाई और शिवम भाई की, दोनों भाइयों की मेरी इतने गप्पे चल रहे थे। तो फिर मेरे को भी नींद नहीं आई उनके साथ साथ, तो हम 2:30 बजे सोए रात को। इसीलिए मैंने कहा आराम से सोएंगे, और वैसे भी थकान बहुत ज़्यादा लगी थी गाड़ी में। तो अभी हम सो के उठे हैं और भैया, दोनों भाई जा रखे हैं चाय पानी लेने के लिए। कह रहे हम चाय लेके आते हैं, तब तक तू फ्रेश अप हो जा। तो गाइस अभी चलो चलते हैं। भाई खटखट हो रहा है, मुझे लग रहा है राहुल भाई आ गया है। चलो चलते हैं पहले। सो गाइस, मेरा भाई सुबह सुबह मेरे लिए चाय लाया। चुप रहे, चूचू ना करा कर। गाइस ये ना बिल्कुल पसंद नहीं करता वैसे व्लॉगिंग, जब इसका मन हो ना तभी करता है। और ये ना सुबह सुबह भी चाय लेके आया, इसलिए खटखट कर रहा था। चाय लाया है तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है। ओ भाई रुक जा, चाय। एंड ये क्या है भाई, ये हमारा चाय का साथ ग्लास। तो गाइस चाय तो लेके आ गया भाई, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेस्ट जगह दिखाने वाली हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। चप्पल तो ये मेरे पहन के चल गया, मैं कैसे जाऊँ, ऐसे दिखा देती हूँ। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं, इस जाम रह रहे रुक रहे हैं, यहाँ से जो नज़ारा दिखाने वाली ना सुंदर है। चलो दिखाते हैं। ला ला ला। सो गाइस ये चेक कर रहे हैं आप, ये चेक कर रहे हैं आप, यार क्या व्यू है यहाँ से देख रहे हैं आप। गाइस क्या व्यू है, खतरनाक। पानी देख रहे हो, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से। गाइस ये रूम है, रूम के जस्ट बगल में नज़ारा देखिए, आए हाय क्या नज़ारा है। और यहाँ देखो सामने कितना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर देखिए आप कितना सुंदर व्यू लग रहा है। मतलब सुबह सुबह रूम से उठो और इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So guys, अभी हम ready भी हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। आराम से भाई, आराम से। तो guys यहाँ से हम निकल चुके हैं, अभी हम लोग जाना ऊपर, रूम था हमारा नीचे। सो गाइस अभी यहाँ से निकल चुके हैं रामपुर से, टाटा रामपुर। और देखो हम सामान सामान लेके। सो गाइस हम निकल गए और हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए शिवम भाई के रेस्टोरेंट में। सो गाइस ये है शिवम भाई। तो गाइस अब हम यहाँ से ना नाश्ता करेंगे और उसके बाद ना निकलेंगे यहाँ से। देखते हैं कहाँ के लिए निकलते हैं, घर के लिए निकलते हैं। वैसे घर के लिए नहीं निकलेंगे, शायद हम शिमला जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट अभी, और शिमला पे रुकते हैं, फिर शायद कल सुबह निकलेंगे। क्या क्या यहाँ से हम सोच रहे हैं वहाँ ना जाए ऊपर जहाँ तुम बोल रहे हो। गाइस ये अभी दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। यहाँ से अभी 2 घंटे और आगे बोल रहे हैं कि 2 घंटे और आगे जाओ, यहाँ से और भी खूबसूरत जगह है इससे भी ज़्यादा। तो 2 घंटे और मेरा मन तो नहीं हो रहा इतनी दूर और जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके हम कल यहाँ आए थे। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट शिमला में आज रुक जाए, शिमला देख लें आज, उसके बाद घर के लिए निकल जाएँ। बट देखते हैं, लेट्स से भी प्लान बना ही रहे हैं दोनों के दोनों, क्या होता है। देखते हैं गाइस, प्लान कर रहे हैं अभी।
धूप अच्छी आ गई अभी, वैसे काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी है। मैं नहीं जा रही हूँ, तुझे जाना, तू चल रही हो यहाँ से। और कितने घंटे रास्ता बोल रहे हैं? दो ढाई घंटे रास्ता है। इस पहाड़ के पीछे इसे यहीं रहने दो। इस पहाड़ को जहाँ पर है वहीं रहने दो। और ज्यादा बता रहा हूँ, वो उस पहाड़ के पीछे बोल रहा है। अच्छा, मेरा भाई बोल रहा था इस पहाड़ के पीछे, शिवम बोल रहा है उस पहाड़ के पीछे। भाई ना भैया ना, क्या है वो श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होती है तुम जिनका पैदल रास्ता है, बट कौन भी पहाड़ देखेगा ना दिमाग खराब हो जाएगा पूरे। गाड़ी चलाता है हाथ का भी, पैदल में चलूंगा। बाप रे गाइस, उस पहाड़ के ओ पीछे वाला दिख रहा है, उसके पहाड़ के पीछे बोल रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी। ये तो हालत खराब हो चुकी है बहुत बुरी तरह। मैं चल जाता, ऐसी बात नहीं, मैं छुट्टी तो नहीं चलता, लेकिन मैं छुट्टी नहीं तो जितना मैं गाड़ी चला के तू आता भाई, जितना मुझे चलेगी उतना चलाऊंगा। अभी तो मैं आज आपको एक ऐसी नदी दिखाने वाली हूँ जो शायद ही कम बहुत कम लोगों ने देखी होगी। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी नदी जिसका नाम है सतलुज नदी, और वो नदी ये है। अभी दिखाते हैं आपको, ये है मेरा भाई और ये है नदी। ये देख रहे हो आप, देख रहे हो गाइस, ये जो नदी है ना, इस नदी को सतलुज नदी कहा जाता है। और ये नदी यहाँ से बहती हुई पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाती है, हमारे ही देश का पानी पाकिस्तान में जाया जा रहा है, देखो आप। और इस टाइप का कुछ व्यू है। और ये नदी है रामपुर, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये है रामपुर जगह का नाम है। और शिमला से 131 किलोमीटर और आगे है ये जगह, आप देख रहे हो सतलुज नदी जो है ये। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब यहाँ से शिमला जा रहे हैं, ठीक है। अब शिमला के लिए निकलते हैं, बाकी शिमला आज वहीं स्टे करेंगे एंड उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में घर निकलेंगे। निकलते हैं अब यहाँ से, बाय बाय टाटा। लाली ऐसे पकड़ लिखो तो नीचे पकड़ाइयो, इससे यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे को मेरे वाले में नंबर में कर, सही बात है। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। भाई पेट्रोल भरवाने गया है वो भाई, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ से कम शिमला है अभी यहाँ से 90 किलोमीटर और आगे हैं, तो अभी तो मुझे लगता है शाम तक ही शिमला पहुँचेंगे हम, 5-6 बजे या 7 बजे के राउंड। उसके बाद देखते हैं क्या विचार होता है हमारा, क्या पता आज शिमला में स्टे करें, उसके बाद निकले हम घर के लिए सुबह मॉर्निंग में। तो चलो अभी तो चलते रहते हैं धीरे धीरे। तो गाइज, यहाँ से 80 किलोमीटर बचा है शिमला, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। वैसे तो मौसम बिल्कुल क्लीन है, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए भाई पहन रहा है जैकेट। वहाँ बादल कहाँ है, बादल ओ भाई, वहाँ से बादल बनना शुरू हो चुके हैं। मुझे पता है शिमला में बारिश पड़ रही होगी आई थिंक। और ये देखो गाय माता, हाय काऊ माता, काऊ माता इंग्लिश में गाय माता। तो गाइज देखो, आप खुद ही देख रहे होंगे हल्की हल्की बारिश भी पड़ने लगती है। खैर, आपको क्या दिखेगी, अभी तो मुझे भी ढंग से नहीं दिख रही, मेरे भाई को दिख गई बस। तो ये जैकेट पहन रहा है। तो गाइस बस निकलते हैं, 80 किलोमीटर बाकी मात्र रह चुका है, शाम तक पहुंच ही जाएंगे, 4-5 बजे तक मुझे लग रहा है जल्दी पहुंच जाएंगे। गाड़ी में बास आ रही है, गर्म हो गई,
गाड़ी गर्म हो चुकी है, बास मार रही है, इसलिए थोड़ा रेस्ट रेस्ट करके जाना भी जरूरी है। तो बस जैसे ही ये हम पहुंचेंगे, इसे बंद करना है। बंद करना तो खुद नहीं कर सकता, फटा हुआ सा हाथ। चल गए सारे काम मुझसे कर। हाय मेरे भाई, पानी पीना, जरा गला सूख गया होगा। सो गाइस अभी हम एक जगह पर रुके हैं जो कि पेट्रोल पंप है, देख रहे हो आप पीछे, और हम थोड़ा सा यहाँ पर रुके हैं हल्का फुल्का सा। यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर और जाना है, फिर हम शिमला पहुँच जाएंगे। और आज हम शिमला ही रुकेंगे, वैसे तो अभी आपको पता है 3 ही बज रहे हैं और 3 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए। 40 किलोमीटर और जाना है, ये लगा लो आप 5-5:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे शिमला। और शिमला में आज वहीं स्टे करेंगे, यहाँ से हम आज वहीं स्टे करेंगे, उसके बाद सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में वहाँ से निकलने के बाद सीधा घर ही पहुँचेंगे शाम को। बाकी भाई जब है, भाई क्या कर रहे थे? तो गाइस अभी ये देखते हैं यहाँ की फेमस चीज़ें हैं। चेरी देखो गाइस, चेरी पूलम, मतलब पूलम वगैरह नहीं ले ले, एक चेरी दे दो। ये अलग अलग कलर के कैसे हैं, डार्क और लाइट? अलग ही कलर अलग है, ये वाले ले डार्क वाले पड़ जाएंगे, वाले वो कच्चे होंगे ना, ये हल्का कच्चा है ना, ऐसे पके होंगे, पके होंगे। ये वाले हाँ, ये 300 रुपये का इतना महंगा डब्बा आता है क्या? सो गाइस यहाँ से अभी हम ले रहे हैं चेरी, जो कि आपको पता है शिमला के चेरी हो गए, सेब हो गए, ये सभी चीज़ें फेमस हैं यहाँ पर सेब हमें अभी कहीं दिखे नहीं है, देखेंगे कहीं कुछ और मिलता है वो भी लेके जाएंगे। फिलहाल चेरी ले रहे हैं और देखते हैं। मैंने बीच में आगे पहले आते वक्त देखा था जब हम यहाँ से आ रहे थे ऊपर की साइड, वो देखो हमने ये लिया हिमाचल के देवभूमि हिमाचल, और चेरी हमने लिया। इसका फोटो खींच के मैं उधर होटल में भेजेगा, होटल में ना भेजेगा, ऐसा ना हो होटल वाले फिर बोले कि ये डब्बा राहुल हमारे लिए लिया, फिर तो बोलेगा कि भाई सेब तो बोलेगा लिया तो उधर पे हमारे वैसे आते हैं ना डिब्बी वाली। हाँ तो तभी तो बोला। तो गाइस ये देखो हमने ये लिए यहाँ से, काफ़ी अच्छा डब्बा है। और ये हमें कितने का पड़ रहा लिया? 300 रुपये का ये डब्बा है। तो कम से कम इतनी दूर हम आए और इतनी दूर से कुछ तो लेके जाए यार घर पे, नहीं तो मम्मी तो मुझे बोलेगी उल्टा, हमें बोलेगी, इसको भी बोलेगी क्या लेके आए तुम, अपने आप घूम फिर के आ गए और मेरे लिए क्या लेके आए, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, तो कम से कम मेरे लिए कुछ लेके तो आते। सो गाइस फाइनली हम पहुंच हुए हैं शिमला में, यहाँ पहुंच चुके हैं और हमने ये रूम लिया है। तो अभी पहले हम रूम चलते हैं, रूम पे सो गाइज अभी मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी लो हो गई थी और फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला। और टाइम देखो आप, 6:16, वैसे तो हम 6 बजे पहुंच गए थे, अभी तो 14-15 मिनट तो हमें रूम सेलेक्ट करने में देखने में हो गया। तो हमारा जो शिमला में रूम लिया हुआ है वो इस टाइप का कुछ रूम है, सिंपल सा है पर ठीक है, अच्छा है रूम। और मैं आपको अपना फुल आउटफिट क्या दिखाना है, वैसे तो लाइटिंग कम है वैसे इसकी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई, ख़तरनाक वाली हालत हो रही है। बस अभी ऐसा करेंगे फटाफट से फ्रेश अप होते हैं, अब तो खैर यहीं पे हैं, सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में हम घर के लिए। फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं रेस्ट करते हैं, थोड़ा कुछ खाने वाने के लिए मंगाते हैं, ठीक है, कपड़े चेंज करते हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों।
सो गाइज ये है गरम गरम मोमोज, फ्राइड मोमोज एंड स्टीम मोमोज विद कोल्ड ड्रिंक। अब आएगा मज़ा, इसको मिल गई है सज़ा, क्योंकि ना ही टीवी चल रहा है और वाईफाई तो हमारे फ़ोन में कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी ऊपर जाके भैया से कि भैया कर दो। क्या हुआ रालिया, रालिया चल खाना फटाफट से खा ले तू भी। सो गाइस ये चेक करो आप, ये भाई ये चेक करें आप, रात का नज़ारा देखो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस अभी 8:30 हो चुके हैं रात के, अब ऐसा करते हैं रूम पे चलते हैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करेंगे। मैं तो आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाने के लिए बाहर आई थी और ख़ुद भी नज़ारा देखने के लिए आई थी, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बाकी दोस्तों चलते हैं अंदर, ठंड भी लग रही है यार ज़्यादा बाहर खड़े होकर ना, तो अभी अंदर चलते हैं, गला भी थोड़ा भारी भारी सा होने लग गया भाई, और अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ठीक है तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, अब हम सीधा सोते हैं, टाइम 10:30 हो चुके हैं, अब नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली। भाई ने भी खाना खा लिया, भाई भी सो रहा है और मैं भी सोती हूँ। फिलहाल दोस्तों ऐसा करते हैं यहाँ से मॉर्निंग में निकलेंगे, जब निकलेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।